तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब के समय में व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना बहुत ही आसान हो गया है। यानी कि काफ़ी सारे यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट हैकर्स के द्वारा हैक कर लिए जाते हैं, और हैक करने के काफ़ी सारे तरीके भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, उसके बाद आप उनसे चैटिंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल सेंड की जाती है, या फिर आपको लिंक भेजा जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करके ये कीजिए वो कीजिए, आपको लॉटरी लग जाएगी, या फिर आप इस फाइल को डाउनलोड कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेगी। मतलब कि तरह तरह के आपको जाल फ्रेब दिए जाते हैं ताकि आप उस ट्रैप में फंस जाए, ठीक है ना। यहाँ तक कि हनी ट्रैप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चुटकियों में हैक कर लिया जाता है। तो ऐसे में आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि आप बिना जांचे परखे उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप ने आपके लिए एक नया फीचर, नया अपडेट लाया है, जिसका नाम है व्हाट्सएप सेफ्टी टूल्स। अब ये व्हाट्सएप सेफ्टी टूल्स क्या है, कैसे काम करती है, और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट रखिए। क्योंकि इससे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने व्हाट्सएप को ओल्ड वर्जन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको बग देखना पड़ सकता है, या फिर आपका अकाउंट बहुत जल्द हैक हो सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सबसे पहले अपडेट करते रहिए, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए। प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट का ऑप्शन आता है तो अपडेट कर लिया कीजिए, ठीक है ना। इससे बग भी फिक्स हो जाता है, और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप अकाउंट की सिक्योरिटी भी बरकरार रहती है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपडेट आया हुआ है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना, ओपन करने पर इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। देखिए यह फीचर कैसे काम करती है और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा। नंबर सेव नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट में, सिर्फ आपको नंबर दिख रहा होगा। और ये फीचर तभी आपको काम करेगी जब कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज सेंड करता है। यानी कि आप उस नंबर को अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में सेव करके रखे नहीं हुए हैं अभी तक, तो आपको वहाँ पर फीचर देखने को मिल जाएगा, अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो नंबर सेव करके रखे हुए हैं उस पर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ बैक आकर के, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सेफ्टी टूल्स के नाम से, ठीक है ना। और जस्ट नीचे आपको ब्लॉक ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब ये सेफ्टी टूल्स है क्या, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेफ्टी टूल्स यानी कि आपके आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर टूल्स बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है जो कि आप इसे रीड कर सकते हैं, और कुछ एक्शन भी यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको अननोन नंबर से मैसेज करता है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है ना, और आपको किसी भी प्रकार का कोई लिंक पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, और आपको 1% उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर सेफ्टी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये बताया गया, सबसे पहले व्हाट्सएप ने ज़बरदस्त अपडेट लाया। यहाँ पर जब आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज करेगा तो साफ साफ यहाँ पर दिखा दिया जाएगा नॉट ए कॉन्टैक्ट, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, और नो कॉमन ग्रुप, आपके ग्रुप में भी यह नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो नहीं ही दिखेगा, नॉट ए कॉन्टैक्ट, नो कॉमन ग्रुप्स। अब क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं इस पर्सन को, और चाहे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में, अगर आप इसको जानते हैं तो। लेकिन बात करते हैं सेफ्टी टूल्स की, तो आप सेफ्टी टूल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हेयर व्हाट यू कैन डू, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं। व्हेन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम एन अननोन सेंडर, मतलब कि अगर अननोन सेंडर के थ्रू कोई मैसेज आपको रिसीव होता है, यू कैन टेक एनी ऑफ दिज एक्शंस, मतलब कि आप इनमें से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। दे वॉन्ट बी नोटिफाइड इफ़ यू डू, ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फिर आपको दोबारा से नोटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब कि किसी भी प्रकार का मैसेज वगैरह भेज नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ब्लॉक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ब्लॉक डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी अगर इच्छा है रिपोर्ट करने की, तो यहाँ पर आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ओके। देखिए रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और रिपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों तो आप लोग जानते ही होंगे इन दोनों ऑप्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये देखिए स्टे सेफ इन चैट, मतलब कि आप चैटिंग के दौरान सेफ रहे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्रोफाइल्स नेम एंड फोटो, यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है, प्रोफाइल नेम और फोटो दिखा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ये भी मेंशन किया है, नेम्स एंड फोटो आर सेट बाय द सेंडर, व्हाट्सएप डज नॉट वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब कि प्रोफाइल नेम और फोटो आपको नहीं दिखाया जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से, जब तक कि सेंडर जो है अपना प्रोफाइल फोटो सेट नहीं करता है, या फिर
आपका अपना नाम वहाँ पर सेव नहीं करता है, तब तक व्हाट्सएप वेरीफाई नहीं कर पाएगी कि किसका यह फोटो है या फिर किसका यह कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया फ़ोन नंबर मेक्स योर डेट द कंट्री कोड ऑफ द नंबर लुक्स फैमिलियर, तो मतलब कि यहाँ पर जो आपको मैसेज आया है जिस अननोन नंबर से, आप ये चेक कर लीजिए कि यह जो कंट्री कोड है जिस नंबर से आपको मैसेज आया है उसका जो कंट्री कोड है वो फैमिलियर है, यानी कि आपके ही कंट्री का है या भी किसी और कंट्री का है, आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी से चैट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, लर्न मोर अबाउट स्टेइंग सेफ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और भी डिटेल में आपको सेफ्टी टूल्स की रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं हाउ टू स्टे सेफ ऑन व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप पर हमें कैसे सेफ रहना है, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर में आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है ना, मैं आपको थोड़ा सा भरवली क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपनी प्राइवेसी को खुद से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेसी को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका आपका प्रोफाइल फ़ोटो, आपका स्टेटस, आपका अबाउट सेक्शन कोई भी देख सकता है, या फिर माय कॉन्टैक्ट जो होता है यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट होता है वह भी कोई भी देख सकता है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। योर कॉन्टैक्ट टू सी योर स्टेटस अपडेट्स अबाउट एनी एंड व्हेन यू वेयर लास्ट, कब आप लास्ट सीन हुए हैं ये भी देख सकता है। एनी यूजर्स टू ऐड यू टू ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आपको ऐड भी कर सकता है। एनी वन टू कॉल यू एंड फॉर योर फोन टू रिंग, तो मतलब कि आपको कोई भी कॉल भी कर सकता है। प्राइवेसी सेटिंग अगर आप नहीं करते हैं तो अगर आप प्राइवेसी सेटिंग कर लेते हैं तो आप ये सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए, यानी कि एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट नोबडी, ये चारों ऑप्शन कैसे काम करते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आप अगर व्हाट्सएप पर किसी से बात भी करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको साफ साफ लैंग्वेज में क्लियर कर दूँ, इस फीचर का मतलब यह है कि आपको सेफ रखना, यानी कि अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से मैसेज करता है तो आप क्या करते हैं, उनसे चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फाइल रिसीव करना या फिर सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज करेगा तो आपको वहां पर सामने में सेफ्टी टूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा और आप उस पर क्लिक करके उसकी रिगार्डिंग जांच पड़ताल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उनसे चैट करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों यही सेफ्टी टूल्स है और ऐसे ही काम करती है। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सेफ्टी टूल्स को यूज करने का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।